हेलो गाइस, इस वीडियो में हम विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में सारी जानकारी दूंगा। विक्टोरिया मेमोरियल किसने और क्यों बनवाया था, विक्टोरिया मेमोरियल का इतिहास क्या है, और क्या आप जानते हैं आज जहां विक्टोरिया मेमोरियल है वहां पहले जेल हुआ करता था, और ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको यहां जाने से पहले पता होनी चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता शहर में स्थित है। इस स्मारक को अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने रानी विक्टोरिया की याद में 1905 ईस्वी में बनवाया था। यह सिर्फ कोलकाता की ही नहीं पूरे भारत की शान है। इस स्मारक को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। इस मेमोरियल के संग्रहालय के भीतर महारानी विक्टोरिया की पियानो और स्टडी डेस्क सहित 3000 से अधिक सामाने रखी हुई हैं। जनवरी 1921 में महारानी विक्टोरिया का निधन होने के बाद 6 फरवरी 1901 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक बड़ी सभा बुलाई गई थी, जिसमें महारानी की याद में स्मारक बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। भारत के राजाओं और जनता ने इस प्रस्ताव का उदारता से स्वागत किया और स्मारक बनाने के लिए 1,05,00,000 रुपए का चंदा एकत्र किया था। विक्टोरिया मेमोरियल की आधारशिला 4 जनवरी 1906 को वेल्स के प्रिंस जॉर्ज पंचम ने रखी थी। यह स्मारक सन 1921 में आम जनता के लिए खोल दिया गया। इस तरह विक्टोरिया मेमोरियल को बनने में 15 साल लगे थे। विक्टोरिया मेमोरियल की वास्तुकला और डिजाइन बेहद खूबसूरत है। विक्टोरिया मेमोरियल का वास्तुकार रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के अध्यक्ष विलियम एमर्सन हैं। उन्होंने इस इमारत को मिस्र, वेनिस, मुगल और अन्य इस्लामी शैलियों से प्रेरणा लेते हुए इंडो सरसैनिक शैली में बनाया है। इसकी ऊंचाई 184 फीट है। इस इमारत को सफ़ेद रंग के मकराना मार्बल से बनाया गया है, जिसे जोधपुर, राजस्थान से मंगवाया गया था। विक्टोरिया मेमोरियल में बहुत बड़ा गार्डन भी है, जो कि 64 एकड़ में फैला हुआ है, जिसका रखरखाव 21 बागवानों की टीम द्वारा किया जाता है। गाइस, क्या आप जानते हैं आज जहां पर विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है वहां पर यह स्मारक बनने से पहले प्रेसिडेंसी जेल थी, जिसमें ब्रिटिश राज के राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था। प्रेसिडेंसी जेल में बंद कुछ सबसे प्रसिद्ध कैदियों में श्री अरबिंदो, सुभाष चंद्र बोस आदि थे। बाद में निर्माण के लिए योजनाएं बनने के बाद जेल को अलीपुर शिफ्ट कर दिया गया। स्मारक के अंदर 25 गैलरी हैं, जिनमें शाही गैलरी, राष्ट्रीय नेताओं की गैलरी, पोर्ट्रेट गैलरी, मूर्तिकला गैलरी, हथियार शास्त्रगार गैलरी तथा नई कलकत्ता गैलरी शामिल है। गैलरी में काफ़ी कीमती कलाकृति भी शामिल है, जैसे कि 1829 में विक्टोरिया को उपहार में दिया गया एक पियानो है, जो विक्टोरिया को 10 साल की उम्र में उपहार में मिला था। उसको विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की सेंट्रल गैलरी में रखा गया है। गाइस, इसके साथ ही बात करें यहाँ घूमने की, तो आप यहाँ मंगलवार से रविवार के दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक घूम सकते हैं। इसकी एंट्री टिकट विदेशी पर्यटकों के लिए 200 रुपये और हमारे भारतीय नागरिकों के लिए मात्र 20 रुपये रखा गया है। भारतीय सेना के जवानों और 12वीं कक्षा तक के स्कूली बच्चों के लिए यहाँ कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता है। गाइस, ये थे विक्टोरिया मेमोरियल से जुड़े सारी जानकारी। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल क्लियर है को सब्सक्राइब करें।